होठों का फटना, ड्राई लिप्स की समस्या, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिसके बाद अपनी तो आप मदद कर ही पाएंगे, आप दूसरों की भी बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। बच्चों को और युवाओं को ये ज्यादा होता है, कारण समझते हैं, बड़ा मजा आएगा इसका इलाज करने में भी, क्योंकि बॉडी के बारे में भी हमें बहुत कुछ सुनने को, जानने को, समझने को मिलेगा। पानी की कमी, विटामिन सी की कमी, और कभी कभी खुश्की इसलिए भी हो जाती है कि हमारी बॉडी में, हमारे पेट में वायु ज़्यादा बनती है, वात बढ़ता है। तो जब वायु ज़्यादा बनती है तो खाली होंठ नहीं फटते, फिर एड़ियाँ भी फटती हैं, फिर हाथों पे, बाजुओं पे लकीर, नाखून से मारो तो सफ़ेद निशान भी पड़ते हैं, और कईयों कईयों को तो डैंड्रफ आ जाता है। ये सारी चीज़ों के पीछे वायु का पेट में बढ़ना और उससे होने वाली खुश्की है, क्योंकि वायु की तासीर खुश्क होती है, नेचर होती है खुश्क होना, और जहाँ भी वायु ज़्यादा पड़े वहाँ खुश्की कर देती है। ये एक कारण है। लोगों का ज़्यादा सॉप्स यूज़ करना, साबुन यूज़ करना, उससे भी बॉडी में से लुब्रिकेशन ऑयल एक्सट्रैक्ट होता रहता है, निचुड़ता रहता है, ये बड़े मेजर कारण है। पहले नंबर पे जो मैंने पानी की कमी बोला था उसको तो आप समझ गए, अब आपको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं। आप पानी खूब पियेंगे, अपने टेबल पे पानी रखेंगे, अपने ऑफिस टेबल के पास, अपने समय समय पे आप एक पानी का रूटीन बना लेंगे कि जैसे हर काम शुरू करने से पहले और काम ख़त्म होने के बाद पानी पी लिया, भोजन से कुछ देर पहले पानी पी लिया, कुछ देर बाद पी लिया, एक रूटीन हर चीज़ के साथ आपको सेट करना पड़ेगा पानी का। सूर्य ढलने तक खूब पानी पी सकते हैं, और पानी जब पूरा अंदर जाएगा तो हाइड्रेटेड बॉडी रहेगी, तो होंठों के फटने की समस्या इससे आधी हो जाएगी। बच्चों को पानी पीना याद नहीं रहता, इसीलिए उनको ऐसा होता है, और जिन चीज़ों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जैसे कि दूध, छाछ, बच्चे उसके पास नहीं जाते ज़्यादातर, तो इसलिए भी उनको ज़्यादा होता है। तो उनके अकॉर्डिंगली आप उनको कुछ शरबत या ऐसी चीज़ें दें, लेकिन शरबत और वो सब चीज़ें मिलके भी उतनी पानी की कमी नहीं पूरी कर सकते जितना नॉर्मल प्लेन वाटर करता है, प्लेन पानी, सादा पानी। तो वो आप ज़रूर साथ में लें, डिटॉक्स भी करता है वो। तो ये पहली चीज़ आपको पानी बढ़ाना है। दूसरी जो अर्जेंटली की जा सकती है वो ये है कि आप आंवला का सेवन बढ़ा दें। विटामिन सी उसमें खूब होता है, जितना कि आप मौसमी, नींबू, नारंगी सब में नहीं ले सकते, उससे कहीं अधिक आपको एक आंवला से मिल जाता है। तो बच्चों को आंवला चूर्ण दिया जा सकता है, आंवला कैंडी खिलाई जा सकती है, ज़्यादा एक मुट्ठी भर के दे दी, खाता रहेगा दिन में एक दो बार। तो इसी तरह से आप आंवला का अचार या फिर घर में कोई इस तरह की कोई उसकी डिश बना सकते हैं उससे। दाल और सब्जी जब उबल रही होती है मेरे लिए, तो मैं भी उसमें जब सीज़न होता है तो हरा कच्चा आंवला उबलने के लिए छोड़ देता हूँ। जब दाल पकती है साथ में, तब तक आंवला भी बहुत नरम हो जाता है, और वो उस पर हल्दी का रंग, सब्जी का रंग चढ़ जाता है, वो घी में और थोड़ा बहुत ऐसे मसालों मसालों के संस्कार में आकर के पाचक भी बड़ा अच्छा हो जाता है। उसी वक्त ताज़े का ताज़ा मैं उसको सब्जी में भी, उसका जो विटामिन सी है खूब सारा छोड़ देता है, मैं इस तरह से खाता हूँ। इससे भी होंठ ठीक रहते हैं, और विटामिन सी के स्रोत हरी सब्जियाँ हैं। बच्चों को आदत डालें, वैसे तो वो खाते नहीं है, लेकिन उनको जब बिठा करके आप खाएंगे और बताएंगे कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, धीरे धीरे देर सवेर उस सुनी हुई बातों का बहुत असर आता है। फोर्सफुली ना करें, लेकिन फिर भी बता करके, स्माइल करके उनको अपनी बात रखें, देर सवेर उस पर उनका नज़र जाएगी। जब वो प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं स्पेशली, उनको बताएं कि ये इस चीज़ से ठीक होगी, देखो तुम्हारी मर्जी, अब तुम लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। तो वो डिसाइड उनको करने दीजिए, धीरे धीरे उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी इससे भी। खैर, मैं टॉपिक लिप्स का लेके चल रहा हूँ, लेकिन कितनी चीज़ें उसमें बोल रहा हूँ, इसलिए कि मेरा ढंग ही यही है बोलने का, और मैं आपको सिर्फ नुस्खे बताने के लिए नहीं बैठता हूँ। मैं जब भी बैठता हूँ इस ढंग से बोलता हूँ कि आप इसको अपनी जीवन पद्धति बना लें, और होंठ के फटने पे आपने दो जब पड़ाव पार कर लिए, तीसरा जो वायु का बढ़ना है उसके लिए आपको क्या करना है, आप खुश्क चीज़ों का परहेज करें, जैसे चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी, ये बहुत खुश्क होती हैं। खुश्क से मेरा मतलब साबुन का ज़्यादा प्रयोग, उससे हट करके आप उबटन से स्नान करें। आप, मैंने एक वीडियो में बताया था सप्त धान्य उबटन, आप उसका उपयोग करें, आप बहुत खुश रहेंगे, आपको वायु कम बनेगी। खुश्क चीज़ों से मेरा मतलब है बाजार का जंक और जो
प्रोसेस्ड फूड होता है, इसका जितना कम प्रयोग करेंगे, नेचुरल जितना चीज़ों का सेवन करेंगे, आप देखेंगे आपको वायु नहीं सताएगी पेट में, हर वक्त वायु बनना भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें करके उसके बाद नाभि में नहाने के बाद सुबह थोड़ा गाय का घी या देसी घी कोई भी मिल जाए, या फिर सरसों का तेल, दोनों में से एक चीज़ नाभि में ज़रूर लगाएं, नेवल में। इससे नाभि से आपको डायरेक्ट फेस पे थोड़ी जो खुश्की रहती है, ड्राइनेस रहती है, ग्लो कम है, वो कमी पूरी हो जाएगी और होंठ भी सॉफ्ट हो जाएंगे देखते ही देखते। ये सारी चीज़ें तो रेगुलर करनी है। आप कहेंगे जी मेरे को तो अभी होंठ फटे हैं, मैं क्या करूँ? अभी से ये सारी चीज़ें इंप्रूव करें, इनका तुरंत असर दिखता है, पानी बॉडी में जा रहा है, बॉडी में हाइड्रेशन बढ़ रही है, ज़रूर फायदा दिखेगा। लेकिन आप कहेंगे जी मैं तो ऊपर लगाने वाली कोई चीज़ सोच रहा था कि आप बताएंगे, वो तो ऐसा है जैसे कि पत्तों को पानी लगाना। पत्तों को पानी लगाएंगे, पत्ते थोड़ी देर के लिए नरम एकदम फ्रेश दिखेंगे, बाद में सूख जाएगा फिर वैसे का वैसे, लेकिन रूट में पानी डालना ज़रूरी है। लेकिन आप पेट्रोलियम जेली या कोई ऐसी चीज़ अगर लगाते हैं होंठों पे टेम्पररी तौर पे, या गाय का घी भी आप लगाते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूट में ये तीन चीज़ें आप कर लें, आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिलेगा। आप धूप में बहुत ज़्यादा ना घूमें, नंगे सिर नंगे पैर, इससे भी बहुत पानी आप अब्जॉर्ब कर लेता है वो वातावरण। तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे और स्ट्रेस कम लेंगे, तनाव गुस्सा एकदम मूड स्विंग्स, गुस्सा अंदर जलाना अपने आप को, कुड़ना अंदर ही अंदर, या डर खौफ, बच्चों को स्कूल में ज़्यादातर डांट का डर होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा ऐसे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, एकदम ड्राइनेस आ जाती है डर से, तो उससे भी कई बार होंठ सूखते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण, एक फ्रेंडली वातावरण अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में बनाएं, हो सके जितना उनको एक काउंसलिंग से समझाएं डांटने की बजाय, और बच्चों को खुश रखिए, खुश रहिए। और अगर किसी को किसी चीज़ का डर खौफ तनाव चिंता यदि है भी, तो थोड़ा थोड़ा संगीत सुने सुबह शाम, सूर्य चांद प्रकृति पेड़ पौधे हवा, इनसे जुड़िए, इनको देखिए निहारिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, इनको अपना मित्र बनाइए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या आप इस विषय में अपना एक्सपीरियंस जोड़ना चाहेंगे, आप क्या करते हैं जब आपको ऐसी समस्या होती है, क्या चीज़ें हैं जो आपको कारगर लगती हैं, आपने आजमाई हुई हैं, ज़रूर शेयर करिए। ये आप ही का मंच है, आप इसे मुझे भी शेयर करेंगे, मैं आपके आपसे भी सीखूँगा, और जल्दी ही मिलता हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। लेकिन इस वीडियो को आप अपने तक न रखें, इस जानकारी को यदि आपने कुछ योगी पाया तो इसे दूसरों को बांटें, इससे आपका मेरा सबका भला होगा। तो इसी भावना के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ जल्दी ही एक नए कार्यक्रम नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्कार।